नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे वाहन चालकों के लिए, आज हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और RC को लेकर। केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले के बाद दोपहिया और चार पहिया वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बता दें, केंद्र सरकार के फैसले के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में और रजिस्ट्री सर्टिफिकेट वाहन चलाते समय आपके साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन कागजातों को लेकर वाहन चालक और पुलिस के बीच में कई बार विवाद की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती रही है। ऐसे में अब वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन मोबाइल ऐप से डिजिटली रखे गए डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हैं। इसको लेकर केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद अब सभी राज्यों में एम परिवहन ऐप और डिजिटल लॉकर में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को वैलिड माने जाएंगे। बता दें कि इसको लेकर अब कानूनी मान्यता दे दी गई है। सरकार इसको लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूज़पेपर में ऐड लोगों को छपवा रही है और लोगों को इसके लेकर जानकारी भी दे रही है। इसको लेकर सरकार का मानना है कि अब डिजी लॉकर और एम परिवहन में अपने डॉक्यूमेंट को दिखाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस या फिर व्हीकल RC की हार्ड कॉपी दिखाने के लिए मजबूर नहीं करेगी। सरकार की तरफ से जो बातें कही गई है उसकी माने तो डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटली ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत वैलिड डॉक्यूमेंट इसे माना गया है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी सर्टिफिकेट के समान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। इधर परिवहन विभाग की तरफ से जो बातें कही गई है, जो नोटिस की बातें कही गई है, उसमें ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट ब्रांच डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप में दिखाए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और RC के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को वैलिड मानती है। साथ ही नोटिस में यह भी कहा गया है कि डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन पर उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और RC के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रोविजन के अनुसार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मान्यता हासिल है। बता दें कि डिजिटल लॉकर और एम परिवहन के अलावा अगर आप किसी और दूसरे ऐप पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। ऐसे में आप एम परिवहन और डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल ही कर सकते हैं अपने वाहन संबंधी कागजातों के लिए। तो एक तरह से यह तय है कि अगर आप अपने गाड़ी के पास में या फिर अपने गाड़ी के साथ में आपने ड्राइविंग लाइसेंस या फिर RC बुक नहीं रखा है तो आप जो है डिजिटल लॉकर या फिर एम परिवहन का जो ऐप है उस पर जो है आप अपने इन डॉक्यूमेंटों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रख सकते हैं, जिससे कि जब भी कभी अगर पुलिस आपकी जांच के लिए इन सब कागजातों की मांग करती है तो आप उसे आसानी से दिखा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।